I'm just a student of law. So that's so very like a humble attitude of yours. आज से कुछ सालों बाद मियां अली अजहर साहब इंशाल्लाह जस्टिस हाई कोर्ट लग जाएंगे. मेरे पास क्लाइंट आता है, मेरे लिए कितना ठीक है उसको ये कहना है कि यार मेरा तो बड़ा अच्छा ताल्लुक है मियां अली अजहर साहब के साथ, उनके सामने केस लगेगा तो आपके तो वारे न्यारे हो जाएंगे. तो ये प्रैक्टिस किस हद तक जायज़ है? आप मुझे कोई उसमें सपोर्ट करेंगे अगर मेरा केस आपके पास लग गया तो? अच्छा, वेरी काइंड ऑफ यू. और एक वकील का ख्वाब होता है और इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए बड़ी मेहनत, बड़ी ईमानदारी, बड़ा प्रोफेशनलिज्म, बड़ी क्रेडिबिलिटी चाहिए होती है. और ये सब होने के बावजूद भी ये, बल्कि यहाँ बड़ी मज़े की आपको एक बात बताऊँ. मेरे वालिद साहब कहा करते थे, इंजीनियर बनने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, डॉक्टर बनने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, नॉलेज होना चाहिए, साइंटिस्ट बनने के लिए आपको हार्ड वर्किंग, मेहनती, नॉलेज, पढ़ा लिखा सब कुछ होना चाहिए, लेकिन जज बनने के लिए आपको इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए होता. तो मैंने कहा है ये क्या बात, इसका मतलब आपका, आप क्या कह रहे हैं जज पढ़े लिखे लिए? कहते नहीं बेटा, जज बनने के लिए आपको, आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो दुआ की ज़रूरत होती है. क्योंकि ये अल्लाह ताला का डेलीगेटेड राइट है, ज़िंदगी और मौत के इख्तियार. और ये ऐसे ही नहीं हर किसी को मिल जाता. आप ईमानदार हो, आप कॉम्पिटेंट हो, फिर भी नहीं मिलता जब तक कि उस पाक परवरदिगार की आपके ऊपर अनायत ना हो, अनायत ना हो. सो इसलिए जो आपने बात की कि अगर अल्लाह ताला ऐसा कोई मौका देता है तो ये मेरे परवरदिगार के हाथ में. अच्छा अच्छा, अब आपका जो सवाल, जो आपने कॉनोटेशन ड्राइव की है, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनके चेंबर्स में उनके एसोसिएट्स होते हैं. अब जब वो एलिवेट हो गए तो उनके चैम्बर्स तो चलेंगे जाहिर है, और वहाँ पे उनके एसोसिएट्स हैं. जब भी कोई जज एलिवेट होता है ना, वो सबसे पहले, या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर सिविल जज हो गया या एडिशनल सेशन, वो सबसे पहले जाके एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि ये मेरे चैम्बर के बंदे हैं, इनको मेरे सामने नहीं, आपने इनके केसेस फिक्स करने. ये है एडमिनिस्ट्रेटिव फेज. एक बंदे का अपने साथ भी कमिटमेंट होती है कि आपको जहाँ पे लगता हो कि आपका पर्सनल बायस, आपका पर्सनल प्रेजुडिस, आपकी पर्सनल पार्टिजन आपकी डिसीजन टू जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, तो आपको नहीं सुनना चाहिए. और हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अंदर या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस नहीं सुनते. अच्छा, आपके पास और बहुत सारे जजेस हैं जहां आपके केसेस चले जाते हैं. और अगर आपकी फर्म का बंदा ये पोर्ट्रे करे क्लाइंट को कि फलाना जज कोई मसला ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, तो आप यकीन करें कि जैसा कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, ये वाली हरकत छुपाने से नहीं छुपती. इफ़ यू थिंक और इफ़ यू आर अंडर इम्प्रेशन कि ये ऊपर बैठे हुए लोगों तक ये बातें नहीं पूछती कि हमारा नाम बेचने लगा हुआ है या हमारी इज्जत बेचने लगा हुआ है, उन तक पहुंच जाती है. और सबसे बड़ी बात, अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी हुई है, ये हलाल तरीके से कमाई करने का ज़रिया नहीं है. हाँ, अपने क्लाइंट को ये कहना है कि ये फलाने फलाने जज की जजमेंट है जो कि आपके केस से कोरस्पोंड करती है, हमें इस जजमेंट का बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर ये हमारा केस इन जज साहब के पास लग जाए. खुशकिस्मती से अगर लग जाए तो उस जजमेंट का फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि एक वकील का इख्तियार ही नहीं है. पूरी की पूरी केस मैनेजमेंट सेल बना हुआ है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, आपके इख्तियार में नहीं है किसके पास केस लेके जाना है, किसके पास नहीं लेके जाना. आपकी खुशकिस्मती है, और ये भी चांसेस वन इन अ मिलियन है कि आपके, यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक जज साहब थे, उनका 302 के ऊपर बड़ा क्लियर व्यू था, सरकमस्टांशियल एविडेंस और बिलखसूस वज टक्कर एविडेंस के ऊपर उनकी जजमेंट्स भरी पड़ी थी इस प्रोपोजिशन. आई जस्ट सेड वांस कि यार दुआ करो ये मेरा केस इस जज साहब के पास लग गया. तो उस क्लाइंट ने कहा, जी मैं जाके अपनी अम्मा नु कह देता है कि जिते ये या हारिए वो बाद दियां गल्लां ने, तुसी दुआ करो केस फलाने जज को लग गया. सो नाउ दिस इज अ पोलाइट वे ऑफ डूइंग इट, दिस इज अ लीगल वे ऑफ डूइंग इट. लेकिन इफ यू से कि मैंने कोई रोल प्ले कर सकता हूँ या किया केस को उन जज साहब के पास ले जाने के लिए,
दैट इज नॉट इवन पॉसिबल. और बिलखसूस यहाँ पे क्रेडिट जाता है फॉर्मर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने इस कदर रिफॉर्म्स आपके हाईकोर्ट के अंदर लेके आए हैं. एंड इंशाल्लाह ताला व्हेन ही विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वी एक्सपेक्ट और आई बिलीव कि वहाँ पे भी वो ऐसे ही सिस्टम इन प्लेस करेंगे जो लाहौर हाईकोर्ट में करके. और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं उन्हीं के बनाए हुए सिस्टम आज तक फॉलो हो रहे हैं ना हाईकोर्ट के अंदर. सो इस वजह से वहाँ पे लॉयर का कोई रोल नहीं है कि जी मैं फलाने को केस लगवा देना फलाने को लगवा देना, ये आपका काम ही नहीं है. और इसी के लिए आपने क्लर्क्स रखे होते हैं क्योंकि जो फाइलिंग का फेज़ है एक वकील को शुरू में ज़रूर करना चाहिए सो दैट आपका क्लर्क सबसिक्वेंटली आपको ट्रिक ना कर सके कि जी वो इतनी कापियाँ लगती हैं इतनी कापियाँ लगती हैं. आपको पता ज़रूर होना चाहिए. तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ फेज़ में आपको खुद फाइलिंग करनी चाहिए बट जब आपको एक पूरा का पूरे प्रोसेसेस की समझ आ जाए तो फिर फाइलिंग के जो फेजेज़ होते हैं वो आपका क्लर्क ही कर रहा होता है और वहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं होता. लेना देना आपका काम सिर्फ वकालत करना है. सो इस वजह से ऐसा कोई इम्प्रेशन अगर कोई लॉयर देता है तो वो टेक्निकली अपने साथ खुद ज्यादती कर रहा होता है. क्यों? ये छुप नहीं सकती ये चीज़ पहुंच जाती है ऊपर और ये दिस प्रोसीड्स योर रेपुटेशन कि जी ये वकील किस किस्म का किस किस्म का है. अच्छा सर, चूँकि अभी हम क्लाइंट फेस के ऊपर बात कर रहे हैं लॉ ऑफ पर्सुएशन को लेके, यंग लॉयर्स हैं जिन्होंने अभी अपनी फील्ड में अपना काम शुरू करना है, मोस्ट प्रोबेबली इंडिपेंडेंट क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे या सीनियर क्लाइंट पकड़ा देंगे, क्लाइंट से नोट्स लेना या नोट्स को ड्राफ्ट करना किस तरीके से आपने क्या बात पूछनी है क्या चीज़ें रह गई हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये भी मैं चाहूँगा कि अपने हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा गाइड कीजिए. आपकी माशाल्लाह 16 साल की प्रैक्टिस है क्योंकि कई दफ़ा हमने देखा है कि यंग लॉयर्स फिर रात को कॉल करते हैं अपने क्लाइंट को, ये बात पूछना भूल गया था सुबह मैंने केस फाइल करना है तो ये बात ही बता दें. क्लाइंट भी इरीटेट होते हैं कुछ दफ़ा, आपको भी एम्बेरसमेंट होती है कि क्योंकि हमने भी गलतियाँ की हैं. तो आपकी क्या टिप्स हैं यंग लॉयर्स के लिए कि जब आप नोट्स ले रहे हैं तो किस तरीके से नोट्स लेने चाहिए? अच्छा विशाल, सबसे इम्पॉर्टेंट देखो बात सुनो, क्लैरिटी ऑफ अ लॉयर्स थॉट इज अ सने क्वा नॉन फॉर अ गुड रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, और उसके लिए आपको जितनी दफ़ा क्लाइंट से कंसल्ट करना पड़े देर इज़ नो हार्म इन दैट. ठीक है, एंड अ क्लाइंट शुडंट बी ऑफेंडेड ऑफ इट और अ लॉयर शुड नॉट बी फीलिंग एम्बेरस्ड ऑफ इट कि जी मैं बार बार पूछ रहा हूँ. क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट अगर आपको नहीं है तो उसके बगैर आपने अदालत में जाके क्या करना है. वो बड़ी ज़बरदस्त एक सेइंग है कि नेवर गो अनप्रिपेयर्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक, क्योंकि जो आप अनप्रिपेयर्ड कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं द एम्बेरसमेंट यू कैरी आफ्टरवर्ड्स इज फार मोर फेटल देन आस्किंग योर क्लाइंट्स ओवर एंड ओवर अबाउट द क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स. सो इस वजह से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अच्छा, नोट्स लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी मैं आपको इसको डिवाइड कर देता हूँ दो तीन हिस्सों में. फ़र्ज़ करें एज अ फौजदारी वकालत मेरे लिए पास जब बेल के लिए आता है बंदा, मेरे पास उसने आके FIR रखी, आई गो थ्रू FIR ओवर एंड ओवर एंड ओवर इन फ्रंट ऑफ माई क्लाइंट. ठीक है, वंस आई ग्रास्प ईच एंड एवरी एंगल ऑफ दैट FIR आई आस्क माई क्लाइंट व्हाट हैपेंड, फिर वो एक स्टोरी नरेट करता है. आई टेक नोट्स ऑफ दोज नोट्स. नाउ देन आई टेक अ मोमेंट एंड व्हाट आई डू आई मेक अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ द FIR एंड द नोट्स एंड ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रडिक्शंस और द डिफरेंस अवेलेबल इन टू डिफरेंट वर्जन्स. ठीक है, अच्छा उसके बाद आई आस्क माई क्लाइंट अगेन कि ये जो चीज़ें इधर कुछ और है इधर कुछ और है तुमने कुछ और बताया है तो ये इनके बारे में क्या कर. व्हेन ही कमेंट्स ऑन दैट आई टेक अगेन नोट्स ऑफ दैट. अच्छा, अब वो देखने के बाद मैं देखता हूँ इस सारी की सारी प्रोपोजिशन पे आपका लॉ कौन सा अवेलेबल है. यानी लॉ की जब मैं बात करूँ नॉट स्टैचूटरी लॉ, प्रेसिडेंट्स आपके पास कौन से हैं, देन आई एम इन अ पोजिशन टू कॉमेंट अबाउट एनीथिंग ऑफ अ केस कि यार ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई हुई है ये आपकी प्रोपोजिशन है तो इसको हम अगर इस तरह लेके चलें तो हमें इस तरह फ़ायदा हो सकता है. ये तो आपका एक हो गया फेस. अच्छा, यहाँ पे मैंने कमेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इसलिए नहीं किया क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 172 वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू हैव, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज एवरी लॉयर एवरी फौजदारी लॉयर हैव द एक्सेस टू इट. बिल्कुल, सो सिंस इट इज़ रिकॉर्डेड or it is going to be you know on any other any social platforms so I'm not going into that
बट एवरी लॉयर हैज़ ई एक्सेस. सो वो भी एक चीज़ होती है जो एक रोल प्ले कर रही होती है आपको आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स के लिए. और याद रखिएगा, मैं इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने मुकदमे की क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन ज़रूर बनाता हूँ. 28/4/2022 को ये हुआ, 29/4/2022 को ये हुआ, 30 को ये हुआ, 31 को ये हुआ, 2 सितंबर को ऐसे हुआ. एक क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स लाजमी बनाता हूँ, क्योंकि व्हेन आई एम गोइंग फॉर द ड्राफ्टिंग फेज ना, तो वो क्रोनोलॉजिकल चेन ऑफ इवेंट्स मेरे दिमाग में एक सिमेट्री बना देती है ड्राफ्टिंग करवाते हुए, और वही सिमेट्री मेरे आर्ग्यूमेंट्स को भी पॉलिश और शेप कर रही होती है. सो इस वजह से दैट्स हाउ इट वर्क्स इन अ बेल स्टेज. ट्रायल के अंदर यू हैव द एक्सेस ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ 173 की रिपोर्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ. वो जब हम ट्रायल का फेस पढ़ेंगे तो आई विल डीपली यू नो कॉमेंट ऑन दैट. बिल्कुल. अच्छा सर, हमने क्लाइंट के बारे में तो बड़ी तफसीलन बात की है, अब मुझे बताइए नो दाय लॉ कानून क्या है, कहाँ है और कैसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में थोड़ा गाइड कीजिए. अच्छा, जब आप कानून की बात करते हैं ना, तो मैं इसको दो हिस्सों में बाइफरकेट करता हूँ या डाइसेक्ट करता हूँ. पहला है आपका स्टैचूटरी लॉ और दूसरा आपका केस लॉज, प्रेसिडेंट्स, ये सारे के सारे उसमें आ जाते हैं. तो वन बाई वन दोनों को एड्रेस करता हूँ. सबसे बड़ी बात है कि एक वकील का सबसे बड़ी जो वेपनरी होती है उसके वो कंट्रोल उस फैक्ट्स के ऊपर कमांड है, और फैक्ट्स के बाद क्या वो फैक्ट्स उस लॉ के साथ जो स्टैचूटरी लॉ है वो उसके साथ कोरस्पोंड करते हैं कि नहीं. सो आपको लॉज का पता होना बहुत ज़रूरी होता है स्टैचूटरी लॉ. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखते हैं कॉन्टेंट्स ऑफ द FIR से वो कत्ल नहीं बनता, लेकिन सेक्शन जो इनकॉर्पोरेट किया गया FIR के अंदर वो 302 है. तो वो आपको अगर 302 के इंग्रेडिएंट्स का पता होगा, ओनली देन यू विल बी एंटाइटल और इक्विप्ड टू अंडरस्टैंड दैट द कंटेंट्स डज नॉट मेक द केस ऑफ सेक्शन 302. सो इस वजह से आपका जिस भी आप फौजदारी साइड पे वकालत कर रहे हैं, क्योंकि अब तो फौजदारी वकालत की भी बहुत सारी ब्रांचेज निकल रहे हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स आ गए हैं, स्पेशल कोर्ट्स आ गई हैं, फिर आपके पास कन्वेंशनल कोर्ट्स हैं, पाकिस्तान पिनल कोर्ट के जो केसेस वगैरह सुनती हैं. सो इस वजह से आपको लॉज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए. अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मल्टीपल लेजिस्लेशंस भी इन्वॉल्व होती हैं जो उसको कमांड एंड कंट्रोल कर रही होती हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया था एक इंसिडेंट कि मैंने नारकोटिक्स की बेल फाइल की, तो मुझे स्लॉट से मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कहा, हैव यू गॉन थ्रू CNSA, और मैंने पिटिशन ड्राफ्ट की थी अंडर 497 के. सो इस वजह से आपको जितने भी कोरस्पोंडिंग लॉज होते हैं इनका भी पता होना चाहिए. तो ये तो एक बहुत फंडामेंटल एलिमेंट है ही है. और मेजॉरिटी ऑफ स्टैचूट्स जो हैं वो आप अपने लॉ डिग्री के दौरान पढ़ के आए हुए होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बदकिस्मती से लॉयर्स की क्वालिटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हैम्पर किया है उसे, वो आपके लॉ स्कूल्स ने किया. कि द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ लीगल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट इन दीज लॉ स्कूल्स इज़ वेरी पथेटिक, जिसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस पर नोटिसेस लेके एक क्लॉग लगाया इसके ऊपर कि इन्फ्लक्स को रोका जाए, क्योंकि क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही. वो एक अलग, आई हैव अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन दैट, कि क्लॉग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता अगर इफ़ यू आर कीपिंग द सेम करिकुलम जो आप पढ़ा करते थे मेरे दौर में या मेरे अब्बा जी के दौर में. करिकुलम उसी तरह, करिकुलम को इम्प्रोवाइज़ करना, उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है. तो इस वजह से जो यहाँ पे ये बात है कि आपके लॉज को लाजमी पता होना चाहिए कि इस पर एप्लीकेबल लॉज कौन से, लेक्स एप्लीकेबल एक प्रिंसिपल है कि इस प्रोपोजिशन पे कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, वो आपको पता होने चाहिए. अच्छा, दूसरा फेज़ ये है और जो कि इंटरकनेक्टेड है पहले फेज़ के साथ, वो है आपका प्रेसिडेंट लॉ है, आपके जो केस लॉज है. अच्छा, केस लॉज की जब आप बात करते हैं तो इट वर्क्स इन अ डिफरेंट वे इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, it works in a different way in high court, it works in a different way when it comes to honorable supreme court of pakistan. subordinate courts ke andar sometimes sindh peshawar ki judgments bhi chal jaya karti hain, lekin ek majority view ye hai ki aapne jo judgment dekhni hai wo aapne kya kehte hain supreme court ki dekhni hai. agar wahan ki nahi available to phir aap sindh punjab mein to lahore high court ki judgment dekhte hain, agar wo available nahi hai then you go to the cross provincial high courts aur wahan se judgment le hain. to it can work very well. acha jab aap judgments ki baat karte hain, jab tak hum
अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रैक्टिस में थे, वे बैक इन 2006-7-8-9 ऑनवर्ड्स, तब तक हमारे जो पीपल मास्टर्स थे, जो हमारे ट्रेनर्स थे, जो हमारे मेंटर्स थे, हमारे जो सीनियर्स थे, उनका एक बहुत फोकस हुआ करता था लॉ जर्नल्स पढ़ने, आपने लॉ जर्नल्स पढ़ने, और उसी दौर के अंदर साइमल्टेनियसली पाकिस्तान लॉ साइट भी अपनी एक धाक बिठाती हुई जा रही थी कि आप अगर किताब से नहीं पढ़ना चाहते तो ई लर्निंग के ऊपर चले जाएं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आई मस्ट कन्फेस कि किताबों को ऑलमोस्ट रिडंडेंट ही कर दिया हुआ पाकिस्तान लॉ साइट ने। अब ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि आपने किताब से पढ़ना है या आपने लॉ साइट से पढ़ना है, तो माई आंसर टू सच क्वेश्चन इज वॉट एवर वर्क्स फॉर यू, पढ़ना है आपने पढ़ना है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जो एडवोकेट्स हैं, जो प्रोपोनेंट्स हैं किताबों से पढ़ने के, वो ये आर्ग्यूमेंट पॉस्टुलेट करते हैं कि अगर आप एक प्रोपोजिशन ढूंढने गए हो तो आपको मल्टीपल डिफरेंट लीगल प्रोपोजिशंस आपकी नज़र से गुजरती भी चली जाती हैं, जिसका आपको फ़ायदा होता है, किसी और केस में ना हो, किसी और केस के अंदर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा लिथार्जिक हैं, थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जिसका काम है, वो कहते हैं क्यों सारी किताब को स्क्रोल करें, टाइम नहीं है, लेट्स गो टू पाकिस्तान लॉ साइट, पुट अ प्रोपोजिशन एंड गेट द केस लॉस। और वो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि सर जो हेड नोट्स इस पे लिखे होते हैं वही हेड नोट्स उसी के अंदर होते हैं, तो वो भी हमारी नज़र से गुजर ही जाते हैं। सो माई सिंपल आंसर टू दैट क्वेरी इज़ वॉट एवर वर्क्स फॉर यू। अच्छा, एक चीज़ बतौर फौजदारी वकील आपने लाजमी करनी है, और ये मेरी एक फौजदारी वकील का अगर कोई खासा हो सकता है, उसकी कोई एक उम्रु यार की जंबील हो सकती है, वो है उसका लॉ जर्नल, जिसके अंदर उसने प्रोपोजिशंस के ऊपर केस लॉस की एक डायरी को मेंटेन किया हुआ है। अगर मुझसे पूछे ना कि एज ऑफ नाउ तुम्हें क्या मिल जाए, तो यू विल बी थिंकिंग ऑफ दैट यू आर द मोस्ट ब्लेसड पर्सन ऑन दिस प्लानट। आई वुड से कि काश मुझे आसिफ सईद खान खोसा साहब की वो डायरी मिल जाए, मुझे आज़म जी तारर साहब का वो रजिस्टर मिल जाए, मुझे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब की वो जंबील मिल जाए जिसमें उन्होंने एक खासा रखा हुआ है, उन तमाम केस लॉस का पूरी की पूरी एक उनके एसेट है वो उनका, वो सारा का सारा अगर मुझे मिल जाए तो आई थिंक दैट आई एम द मोस्ट ब्लेसड पर्सन ऑन दिस प्लानट। तो इस वजह से आप उनको मेनटेन करके रखते हैं ताकि नेक्स्ट आने वाले केसेज में एक तो आपको पता चलते, क्योंकि बहुत तेज़ी से फौजदारी लॉ इवॉल्व भी होता जा रहा होता है, तो यू कीप अप टू द पेस और द रिक्वायरमेंट कि जी पहले क्या लॉ था, अब क्या लॉ है और आगे क्या आएगा, तो इस वजह से उन रजिस्टर की मेंटेनेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हैविंग सेड दैट कि जो लॉ साइट्स और किताबों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वट वर्क्स फॉर, सो जो केस लॉज हैं उसका पता होना बहुत ज़रूरी। आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि आई वॉज आर्ग्यूइंग अ केस बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। तो समटाइम्स केस लॉज आपकी प्रोपोजिशन को जिस तरह सप्लीमेंट करते हैं, जिस तरह पावर इन्फ्यूज़ करते हैं उसके अंदर, कि ओरल आर्ग्यूमेंट्स में आई वॉज ऑफ द व्यू कि आई एम नॉट डूइंग बेटर और आई एम नॉट डूइंग वेरी गुड, बट द मोमेंट आई प्रेजेंटेड द जजमेंट्स ऑन द प्रोपोजिशन फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द टेबल जस्ट टर्न्ड और वो डिसीजन केम इन माई फेवर। सो इस वजह से आपका जो प्रोपोजिशन है, आपका जो केस है, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाई गुड लेजिस्लेशन एंड गुड प्रेसिडेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स। और ये बिल्कुल ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस जज साहब के पास कौन सी जो जजमेंट्स हैं वो पेश करनी है। यानी अमूमन यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू और PLD सुप्रीम कोर्ट्स, जितनी हाईएस्ट कोर्ट की आपके पास जजमेंट होगी उतनी प्रोबेटिव वैल्यू होगी उसकी, एज कम्पेयर टू दोज के जी आप किसी क्रॉस प्रोविंशियल जजमेंट को पेश करें। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट व्हेन आर्ग्यूइंग इन हाई कोर्ट, और इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ जजमेंट जो ग्रेटर इन क्वान्टिटी हो इन केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर दो जजेस हैं तो आपके पास 3 मेंबर बेंच जजमेंट होनी चाहिए, 5 मेंबर जजमेंट होनी चाहिए, तो उसकी एक वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आपके हर केस में आप जजमेंट्स को साथ लेकर जाते हैं? यहाँ पे जब आप जजमेंट्स की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन जो है वो भी एक एलिमेंट है एडवोकेसी का, परसुएजन का, परसुएसिव होने का। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक बुकलेट आप अपने लिए रखें, एक बुकलेट आप अपने ऑपोजिट काउंसिल के लिए रखें, और एक बुकलेट
अगर सिंगल मेंबर जज है हाई कोर्ट के अंदर या डिवीजन बेंच है, तो वो उसी हिसाब से आप उसकी बुकलेट्स को इन्हांस करते जाते हैं। बेसिकली यू आर स्पेंडिंग योर मनी ऑन अ केस, और जो कि नज़र आ रही होती है जजेस जज साहबान को भी कि वकील साहब ने मेहनत की हुई है। और याद रखिएगा, जब भी केस लॉ की बात होती है, नेवर नेवर रिलाई अपॉन दी हेड नोट्स जो कि इन लॉ जर्नल्स वालों ने बनाए होते हैं। ऑलवेज रेफर फ्रॉम द कंटेंट्स एंड द पैराग्राफ एंड स्पेसिफिक लाइन फ्रॉम दैट जजमेंट, कि सर इस जजमेंट का PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 77, सर इसके अगर आप पेज नंबर 535 के ऊपर आएंगे, उसके पैराग्राफ नंबर आप 6 के ऊपर आएंगे, उसकी नीचे से बॉटम से लाइन नंबर 4 से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, विच इज़ द रेलिवेंट पोर्शन विद रेफरेंस टू माई प्रोपोजिशन। सो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग द ईज फॉर अ जज एंड यू आर ऑल्सो गिविंग एन इम्प्रेशन टू अ जज दैट यू आर वेल इक्विप्ड, यू आर वेल रिसर्च विद योर नॉलेज और अपनी प्रोपोजिशन से, और आप जज साहब को असिस्ट कर रहे हैं और उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं बाई पिन पॉइंटिंग द एग्जैक्ट पैराग्राफ, विच गिव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन।